फागुन मास आते ही हमारा मन उल्लासित हो जाता है और रंग स्मरण हो आते हैं। और जब होली पूर्णिमा आती है तो होली के पर्व में तो मानो मन करता है कि रंगों में घुल जाए। रंग एवं धुन, इन दोनों का हमारे मन से बड़ा गहरा संबंध है। हम सब तीन गुणों से युक्त हैं और इन्हीं तीन गुणों की तुलना तीन रंगों से की गई है। हमारे शास्त्र वेद कहते हैं, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बव्वीह प्रजाह सृजमानाम स्वरूपाह अजोह्ये को जुषमाणुनुषेते जहात्येनाम भुक्त भोगा मजोन्यः उपनिषद। हमारे तीन गुण सात्विक राजस तामस, इनकी तुलना की गई है तीन रंगों से, सात्विक सफेद, राजस लाल और तामस काला। हमारे भीतर इन्हीं तीनों गुणों का मिश्रण है, अर्थात इन्हीं तीनों रंगों का मिश्रण है। हमारा मन इन्हीं तीनों गुणों में मिश्रित है और यही तीन रंग हैं। लेकिन चित इन तीनों रंगों से परे रंग बिरंगे प्रेम रंग में रंगना चाहता है, यही चित की अभिलाषा है, उमंग में, प्रेम के उमंग में रहना। और धुन, हर व्यक्ति किसी ना किसी धुन में व्यस्त है, कुछ पाना चाहता है और वो एक ही धुन है, चित्त की शांति। अर्थात ये चित्त सदा के लिए रंग बिरंगे प्रेम रंग में रंगना चाहता है और सदा के लिए आनंद की धुन में डूबना चाहता है। और इसी चित्त की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही हम सब लोग होली का पर्व मनाते हैं। होली को दो प्रकार से मनाया जाता है, एक दिन होली का दहन होता है और दूसरी दिन होली का उमंग होता है। होलिका के रूप में जो तमोगुण है, काले रंग का अंधकार, वो है बुराइयां, बुरे विचार, बैर, ईर्ष्या, निराशा, दूसरों को दुखी करना, स्वार्थी होना, नकारात्मकता, इन सारे विकारों का दहन करना होता है, यही होली का दहन है। और दहन करेंगे हम विवेक की प्रज्वलित अग्नि में। होली का दहन के दिन यही संकल्प होगा कि हम विवेक की प्रज्वलित अग्नि में इन बुराइयों का दहन कर दें। और जब आप दहन करेंगे तो बस आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप दहन करते जाएंगे उसी प्रज्वलित अग्नि में स्वयमेव प्रकट होंगे प्रह्लाद के रूप में, सद्गुण, भक्ति, प्रेम, अपनापन, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, सकारात्मकता। इसको हमें लाना नहीं पड़ेगा, बुराइयों के जाते ही इनका आगमन स्वयमेव हो जाएगा। ईश्वर का अंश होने के कारण ये आत्मा इन्हीं दिव्य गुणों से युक्त है। हम सब लोग अपने लिए यही दिव्य गुण चाहते हैं। हम अपने लिए प्रेम, सहानुभूति, दया, सत्य, यही चाहते हैं। तो जो हम अपने लिए चाहते हैं वो हमें सबके लिए चाहना चाहिए। तो जैसे ही हम अपनी बुराइयों का दहन करेंगे स्वयमेव अच्छाइयों का विस्तार हो जाएगा। तो आइए होली का दहन में बुराइयों का दहन करें और फिर उन प्रेम के रंगों में रंग जाएं और अच्छाइयों का उमंग ले आएं अपने चित्त में। वैश्विक आपदा है, आप सब मन में सोचते होंगे ना कि हमें एक दूसरे को रंग लगाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एक स्वर्णिम अवसर है अपने भीतर को रंगने का। आइए हम सब लोग अपने भीतर को रंगें
और उसके लिए क्या करना होगा? हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, जो काला अंधकार है, उसके दहन का संकल्प करना होगा। अपना आत्म निरीक्षण कीजिए, आत्म संश्लेषण कीजिए, जितनी जल्दी हो सके संकल्प कर लीजिए इनके दहन का, और अपने चित्त को अच्छाइयों के उमंग से तरंगायित कर दीजिए। चित्त अच्छा हो जाएगा तो हम सब अच्छे हो जाएंगे। स्वयं अच्छे बनिए, अच्छाई का ही विस्तार कीजिए।